नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी का कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह की इंजरी के मामले पर रद्द अमल आ गया है। पीसीबी का कहना है कि क्रिकेट बोर्ड नसीम शाह की इंजरी पर नज़र रखे हुए है। नसीम शाह की देखभाल के लिए तिबी माहरीन से रबते में है। पीसीबी का कहना है कि नसीम शाह के क्रिकेट में वापसी का फैसला मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में किया जाएगा। ख्याल है कि कौमी टीम के नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह के आइंदा माह से भारत में शुरू होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से बाहर होने के खदशात पैदा हो गए हैं। नसीम शाह एशिया कप के दौरान भारत के खिलाफ मैच में कंधे की इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सुपर फोर मरहले का अहम मैच भी नहीं खेला था। इस हवाले से कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी एक बयान में कहा था कि उम्मीद है कि नसीम शाह वर्ल्ड कप तक मुकम्मल फिट हो जाएंगे और टीम को ज्वाइन कर लेंगे। क्रिकेट की खबरों से मुतालिक वेबसाइट क्रिकेट इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक नसीम शाह के कंधे की इंजरी इससे ज्यादा संगीन है जैसे इब्तदाई तौर पर समझी जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का इम्कान है कि कंधे की इंजरी के बायस नसीम शाह पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी ही नहीं कर पाएंगे। इंजरी के बायस नसीम शाह के न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज बल्कि PSL के अगले एडिशन में शमूलियत पर भी सवालिया निशान लग गया है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।